कहा चुम्मा दे तू लेतर हल्लू सट के तू पजरा ओहू में लड़ी का बटा लेला बखरा चुम्मा दे तू लेतर हल्लू सट के तू पजरा ओहू में लड़ी का बटा लेला बखरा हमारा से ज्यादा उसे प्यार हो गई हमारा से ज्यादा उसे प्यार हो गई सजनिया बोला ना ए रनिया बोला ना अरे हमसे बढ़ के बबुआ अब तोहार हो गइल ए रनिया हमसे बढ़ के बबुआ अब तोहार हो गइल। जय राम जी की प्रणाम। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत बा महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल में। विजय जी हाँ रउआ तो बड़ा नीक गाना गौनी हा। अच्छा बाकी ई गाना यहाँ सेट ना करा था। अच्छा काहे कि राउर स्थान दूसर बा तई तोहार भ्रम बा हम यहाँ खातिर ना गौनी हा। तो कहाँ खातिर गौनी हा? जितना लोग बैठ के बिरहा दंगल देख रहल बा उ हमारा तोहरा मतिन जोड़फुट नहीं खे अपन जोड़ा लेके बैठल होई। थोड़ी झगड़ा होत रही आगे भी लेकिन अब हम रउआ सबके सामने बैठल हमारा बीच में सरपंच महोदय लोग बा बड़ा अदब से बड़ा स्नेह से बड़ा प्यार से प्रणाम रउआ सबके कह के हम परिचय दे चाहतनी। रानी जी बिरहा के महागुरु हीरा लाल जी बालेश्वर जी रउआ लोगन से निवेदन करतानी निहोरा करतानी कि देख के बताएं कि आज केकर मुकाबला केकरा से बा। सबसे पहले आपको नमस्ते। आज जेकर मुकाबला बा उनका नाम बा भैया लाल पाल। और उनकर संगे मुकाबला बा सरोज त्यागी जी के। आज के बिरहा मुकाबला में अपन जलवा दिखावे खातिर आ रहल बाने भैया लाल पाल। तो उनकर टक्कर देवे खातिर आ रहल बाड़ी मशहूर बिरहा गायिका सरोज त्यागी। अच्छा तो एक बात तो आगे और बता दे कि भैया लाल पाल जी का जब मुकाबला होला तो रात भर में दो बेर मंच बदले के पड़ेगा। काहे हो? इतना उमच के गाँव में कि चौकी टूट जाले। ना भरोसा है? देख ला। चला हवन भैया लाल पाल जी। ई हवन भोजपुरी के अभिनेता बिरहा के महागायक विजय लाल यादव। सॉरी 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 ई है सरोज त्यागी। जिंदगी में पहली बार झटका खेली है। हम सोचली ये होत का भैया ई हम जान मुझ के ना कर ली हां हम इनके अभिनेता कहब का हम तो भूल से कह दली हां। अच्छा तो ठीक बात तो तोहरा काला ना काला से का होके के बा अपने आप के हीरो समझो तो हम बोल का देनी गलती से बोल ली हां टॉस निकाली हमसे निक हीरो कहीं पैबू का ई बात तो बा तो टॉस हो जाओ। जीत गई नहीं हम भैया लाल पाल जी अब गावे के तोहके बात भेज दें गावे खातिर। काहे भेज दी काहे इतना जल्दी का बा काहे इतना जल्दी का बा। ओ भैया लाल पाल के सुर भैया लाल जी। हाँ भैया। हाँ तो हो जा के अब का आवा का देखत हुआ जिया जिया बारे विजयी भैया हम पहलवान भी आप कहला
और दूसरी ओर हमरे मुकाबले में देखा तो हम कुछ कहत ना है, हमारे में तीन आदमी बड़ा दुखी रहल। अरे हम मोटका हमार दुलही पतर की रे सजनी, आहा रे सजनी बोला कैसे कसर की रे सजनी, मिजाज रहा बहादुर। राष्ट्रीय गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत बाबूजी। बाबा जब ये देश गुलाम था, ये भारत माता अंग्रेजों के हाथ में जंजीर में जकड़ी हुई रो रही थी। देश के नौनिहाल जवानों ने जान की बाजी लगा करके वो वतन को आजाद कराना शुरू किया। बाबा कहना है तो वतन के फरिश्तों ने आवाज दी, और वतन के सिपाही वतन है तुम्हारा, रौंद देते हैं फिरंगी वतन को अब तेरे, मांगती है धरा तुमसे लोहू की धारा। क्या बात है अरे उन्नति हिमालय की तुमसे गुजारिश, आजाद कर दो वतन ये हमारा, भारत पहलवान। अरे अमर देव होती सहन की भी सीमा, लगा दो वतन पर आजादी का नारा। जिया जिया जिया, बहुत अच्छे बहादुर। जे करे जुबान पर इनकलाब जिंदाबाद के बोली अंग्रेज सुने, उस जुबान को कटवा लिया करते थे। जिसके हाथ में तिरंगा झंडा देखते थे उस हाथ को कटवा लिया करते थे बाबू। आजादी के नाम पर जिनका पैर आगे बढ़ता उस पैर को कटवा लिया करते थे। वही समय की कहानी मिलेल बाबू। रामपुर गांव में ठीक जमुना के किनारे बसल एक छोटा सा गांव, रामपुर गांव की कहानी हो और कजरी वाला त्योहार हो। आज भी गांव देहात में मतारी बहन लोग कजरी के त्योहार बड़े झूम के लोग मनावनी। हाय 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 हाय, कजरी के त्योहार हो और हाथ से हाथ मिलाए के बहन बिटिया लोग चल ले हो जमुना जी नहाए बदे। कजरी गावत का लोग चले लेकिन हमरे विजयी भैया वाली तर्ज बड़ी रसिया गीत हो। अरे वाह यार वाह। एक ठे देवर बहुत परेशान हो, अपने भौजाई से परेशान हो, परेशानी के ओकर कारण का बतावत हो कि अरे ए भौजी का करबू तीन तीन गो तकिया। बता दई हो बतिया ए भौजी, अरे ये भौजी का करबू तीन तीन गो तकिया। लेकिन झुंडा बना के गावत चलली कजरिया ए भैया, अरे ए भैया आ गईली जमुना कचरिया। रामपुर गांव का बहन बेटी कजरी गाते हुए जमुना जी में जब स्नान कर बदे चलल हिन बाबू, नया नया वस्त्र धारण कैली हाँ, स्नान करके जब वापस लौटे लगलिन वही समय वही थाने का दरोगा जौने का नाम जॉर्ज क्लीन बतावल गेल। जॉर्ज क्लीन दरोगा
दो सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवारी कस करके रास्ता रोक दिया। बहन बिटिया के झुंड में एक थे बहुत खूबसूरत लड़की रहल, रामपुर के ही रह वाली, जौने का नाम रतना। जब दरोगा जॉर्ज क्लीन रतना लड़की के देखले सपने घोड़ा से उतर गया। साथियों पकड़ा दरोगा जाके रतन का कलैया, रतन का कलैया घोड़े पर बिठा के चला पापी नीरतैया, पापी नीरतैया लेकिन रोवाला बहिनिया, अरे रोवाला बहिना पापी चला जबरी हो गावे झुंडवा में रतना बहिना कजरी हो गावे। रतना बहनिया के अपने घोड़ा पर बैठा ले जार्ज क्लीन दरोगा और दोनों सिपाहियों के साथ चल दिया। रतना रोने लगी, आवाज देती है कोई भैया हो बचा ले मुझे, ये पापी जार्ज क्लीन दरोगा ले जाके हमरे साथ पता नहीं किसन सलूक बर्ताव करी। वहां कोई नहीं हो बाबू, लेकिन पहुंचल के इज्जत बचावे बदे तर्ज बदल गई। वही तर्ज में की तोरे बिरहा का भाव हो कि भर के भूजवा तूफान हो जवान जब भीड़ गई ले। बहुत बढ़िया पहलवान गोपाल पहलवान वही रास्ता से अखाड़े पर से लड़के गुजरत रहलन। जब देखलन कि अरे कौनो लड़की के अंग्रेज बैठा के लेके जात हा, रास्ता रोक दिया। अरे कहां लेकर जा रहा है रे भैया? अंग्रेज सवाल किया कि ये तेरी क्या लगती है, रास्ते से हट जा नहीं पर बहुत बुरा हो जाएगा। लड़की रोवत हो, गोपाल पहलवान कहलन कि ऐसे ही न मानी। कैसे मानी? कैसे? मारे लोहा बंदा सारा गई ना बिहराई। बाबा बाबा पहलवानी हाथ, पहलवानी हाथ याद है बाप पहलवान बहुत अच्छे। कितनी सुंदर लाइन हो, कैसे बनला घोड़ा के टंगिया में लठिया फसावल है। यहां यहां घोड़वा समेत तब दरोगा नीचे आई ले। बहुत अच्छा हमारे लोहा बंदा सर गई न बिहराई, साथे का सिपाही दोनों गई न हो पराई। बहुत अच्छा करलन गुनान हो जवान तब भीड़ गई ले। आपन लोहा से मरल लाठी खींच करके जो ही एक लाठी मरलन जार्ज क्लीन के दरोगा, जो बाय जार्ज क्लीन दरोगा का सर फाट गल, घोड़ा पर से नीचे गिरल और तुरंत मर जाता है। साथियों साथे के दोनों सिपाही भाग के गईलन थाने पर, पुलिस खोजे लगल, अंग्रेजी फौज खोजे थे, लेकिन पहलवान रतना बहिनिया के घरे पहुंचौलन। बहिनिया कहे कि भैया अहो भाग की समय पर तू आ गईला, भैया लाज हमार बचा लेला। कलन की बहिन चिंता मत कर, और तोरे घरे के है कलेस की बाबू माई ते ननह में चल गईले छोड़ के, चाचा चाची हमें पालन न पोषण, ब्याह हो गल हो, गौना के दिन रखाए गल, हम चल जाम, लेकिन याद रहे भैया बहुत अच्छे तोहरे कलाई में राखी बांधे चाहती, कोई भैया ना हो धर्म के बहिन बनायला भैया। राखी बधवा लेलन कलन की बहिन, और राखी के बधाई देवे बदे हमरे पास कुछ बाय नहीं तो के, आंख मेसू की धार छल छला पड़ी, रो के कहे कि भैया कुछ चाही ना, हमारी यह अच्छा इच्छा हो कि हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर एक पगली बहन से राखी जरूर बधैया भैया। भाई तो चल दिया राखी बधा करके और बहन ससुराल की ओर चल देती है। कहना पड़ल बिरहा तेरी का भाव लगल मास्टर।
अरे सवनवा में जो है ला रखिया, ए भैया सवनवा में जो है ला रखिया, अरे जो है प्रेम बामरा बहिनी कबीर नवा। बाबा बहुत अच्छा। एक साल बीत गयल, जब एक साल बीत गयल गोपाल पहलवान क्रांतिकारी बन गए, अंग्रेजन के ढूंढ ढूंढ के मारे लगलन, पुलिस बहुत खोजत हो, लेकिन गोपाल भैया कहीं हाथे नहीं लगत हुन। धीरे 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 अगला रक्षा बंधन आ गेल तो लिखे के पड़ल बाबू, अरे गोपाल घूमत पहुंच गए हैं, अरे रतना बहिनी के ससुरार। क्या बात है। घर में बिठा के रतना बहिनी, अरे भैया के कैली सत्कार। भाई पहुंचल बहिन के घरे राखी बधावे बदे, लेकिन अंग्रेज इनाम रखले हुन, जो भी गोपाल को पकड़ेगा या पकड़वाने में मदद करेगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अपने भाई कितना पकड़वावे के चक्कर में पड़ गई ना बाबू। भैया पहुंचल हुआ बहिनी के घरे, बहिन हाहाकार मचा के मिलल कि भैया इतना दिन बाद बहिनी का याद आईल, तो सुना राखी तो कलाई में बांध दिले रतना। गोपाल कहलो कि बहिन हम चलब, हमरे क्रांतिकारी मित्र हमारे इंतजार करते हूँ। कलश कि भैया इतना दिन बहिन, इतना दिन बाद बहिन के घरे अला, कम से कम एकाक रात हमारो घरे बिताएला भैया, रुक गई ना। रात के खाना खा पी करके गोपाल पहलवान सुतल हुन, लेकिन रात्रि के समय में जब रतना के आदमी अलन तब के भाव बा कहना हो, छली पिया रतना के आये, अरे कैली कैली सैया से इजहार, अरे छली पिया के आँख में नाचे, छली पिया के आँख में नाचे, खाली रुपया 10,000 बोला। अरे पहलवान विजय भैया करताल बहुत नीमन आप कहो। हमार कौन चीज खराब हो तो नहीं, बहुत नीक आपका, जितना आपके नहीं आपके अगल बगल जवन भी सामान हो बहुत बढ़िया। ले ऐलान कैलन रतना के दुल्हा ऐलन, कहला कि अरे रतना बाबा बगल वाले रूम में कौन अजनबी सोया हुआ है। हाथ जोड़ के कहे कि सैया वो हमार धर्म के भाई हूँ, हमार मान सम्मान इज्जत बचौलन नैहर में अंग्रेज के मार के, कई अंग्रेजन के मार चुकल हुआ, क्रांतिकारी हुआ गोपाल भैया हमार धर्म के भैया। अंग्रेजवा परेशान हुआ उन्हें पकड़े बदे। रतना के आदमी जब सुनल कि 10,000 रुपया का पुरस्कार करे ऊपर है, और रुपया के लालच में आगे कलेश की चिंता मत कर, वहीं जाते हम थाने पर अंग्रेजन के बुला के आई, गोपाल गिरफ्तार हो जाइए तो 10,000 रुपया का मालिक हम घर बैठल हो जाऊ। रतना रोवल गल कलेश की ना भैया ना, खबरदार ई संभव ना, हमार धर्म के भैया हुन उन्हें गिरफ्तार न हो दे, हमार जान चल जाई भले ही। बाबा समझ गेलन कि नारी के जात कहीं रात्रि में भगाए न दे। जौने रूम के अंदर गोपाल भैया सुतल हुआ, ताला बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रख करके रतना के लेके दूसरे कमरा में ओकर आदमी सुतलन है। उधर भाई सुतल हुआ, अह रतना के आदमी सुत गेलन, लेकिन बहनिया रतना के नींद ना लगत हो, ए भैया सोचत हो का सोचत हो, विदेशिया के भाव लगल कि सुतला निदारिया में, अरे भैया गोपाला मोरा, अरे झलक कलैया में राखी के रोशनिया, कह कैसे कैद हुई है बिरना गोपाल मोरा, अरे नैहर में बचौला भैया हमारी इज्जतिया। हमारे बदे
खूनी बन गिलन हमार गोपाल भैया कैसे के गिरफ्तार हुईन। उठा लेती है हाथ में कटार, आकलन करे लगल बा, हाथ में कटार उठा करके सोचा लगल कि एक तरफ मांग का सिंदूर हो और दूसरी ओर धर्म का भैया हुआ राखी हो, एक तरफ देशद्रोही हो दूसरी ओर वफादार देश का सिपाही है, एक तरफ पति है दूसरी तरफ धर्म का भाई है, का करी समझ में नहीं आओ थो रतना निर्णय का लेलेस बाबू सुन ला एक बात कहली ने काम मरली गला सा सूता अरे वही सजन के गारा दन पे अरे भैया से हवलिया बताई रे बहिनिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अपने पति का गर्दन काट करके पॉकेट से चाबी निकाल करके गोपाल पहलवान के रूम के थाला खोल करके पहुंचल और कलेश की भैया अपने आदमी का कत्ल के क्या वो थी। सारी बात जब गोपाल सुनलन है रोंगटे खड़े हो गए आंसू में अश्रु का धार लेकर के गोपाल रो के कहलन का बाबू अरे रोवे न गोपाल रोवे न गोपाल भर नयनवा थाती जीवन के। बहुत अच्छे। अरे रोवे न गोपाल भर नयनवा हमारी बहिनी हो काहे धोवलू मांगी कैसे नुरवा हमारी बहिनी हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्रांतिकारी मिल करके पहुंचे आगरा में सब। क्रांतिकारी सब जब आगरा में पहुंचल हुन हे भैया वही समय अंग्रेजन के टीम से मुठभेड़ भइल। मुठभेड़ के दौरान भैया गोपाल के गोली लगल हो गिरफ्तार हो गया वो मेरे देश का नाहर गोपाल भैया। मुकदमा चलल डेढ़ साल मुकदमा चलने के बाद अंग्रेज सब सजा का दिलन कहना भाई आल्हा में भाव हो। अरे वीर का कहानिया अमर दुनिया में हाय 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 हाय। अरे वीरता से वीर का हो जाला पहचान हो जाला पहचान अगर के जलिया में बंद बाबी रनावा। बहुत अच्छे। अरे फांसी का सजा हो सुनावल सुजान फांसी की सजा सब दे दिए फांसी होगी फांसी वाले दिन के जब फांसी झुलावे के बारी आई और अंतिम इच्छा जब पूछायल गोपाल से कि कुछ खाना पीना चाहते हो किसी से मुलाकात करना चाहते हो गोपाल कहे लगल ए दुनिया में कोई बाय नहीं हमार एक ठे धर्म के बहिन हो रतना वही से मिले चाहते ही। रतना बहिनिया बुलाए के आइल गोपाल पहलवान पैर पकड़ के बहिन रतना के कलन की बहिनी सारी गलती हमरे कहलन है का बा पहलवान बा भाई बा 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 अपने ठीक समय पर एकदम बहुत तैयारी से जैसन शरीर का हिसाब किताब है वैसन तैयारी भी देखे के मिलल। तो प्रिया सरोज जी भैयालाल पाल जी के जवाब दी है। प्रिया हाँ पहलवान का पहलवानी देखल हुआ ना। हाँ तो हमारे सरोज जी जवाब दी ही ना। सरोज जी शुरू हो जाए। एकदम शुरू रहुआ चिंता कैले कोनो जरूरत ना बा हम जवाब देहिम ना। देखें महुआ चैनल से महुआ परिवार के तरफ से सर्वप्रथम जज के कुर्सी पर बैठे आप जज महोदय और आप सभी श्रोतागण को हमारे तरफ से प्रणाम।
ए महुआ चैनल के तरफ से ये हमारा ओर से बिरहा के माध्यम से ये रामायण से बिरहा बा रामायण से कोनो नया खोज आप लोगन के मिली कभी दिस संकेत कैलन हो चार लाइन भूमिका में संकेत कल गल कैसे तो लागी शक्ति लखन हो के मूर्छित गिरे बंदरी गोल डर से पराने लगी रामदल में चली वेदना की लहर आज रजनी बिरह गीत गाने लगी राम से वैद्य बोला कि सुनिए प्रभु मैं बताता दवाया जुमाए कोई धवला गिर पे मिलेगी संजीवनी जड़ी सूर्य उगने से पहले जलाए कोई क्या बात है बहुत अच्छे ध्यान देंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण से जब लड़ाई हुआ वही लड़ाई में भैया लक्ष्मण के मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण लगल वीर घातनी बाण लगा मूर्छा खा के गिरल हमन कोनो इलाज ना बा लेकिन विभीषण के बताने के अनुसार सुषेण वैद्य को हनुमान जी बुलाकर लाए जबरदस्ती उठा कर लाए और जब सुषेण वैद्य देखलन तो बतौलन कि मैं लक्ष्मण को जिंदा कर दूंगा लेकिन बड़ा विकट काम बा धौलागिरी पहाड़ से सूर्योदय होने के पहले अगर संजीवनी बूटी को हिला सकता है तो मैं जिंदा कर दूंगा वहाँ का माहौल कैसन बा पूरा बानरी सेना रोवत बा एक लाइन गजल के नमूना मिली मास्टर बाबा बाबा तैयारी रहे गजल से बढ़िया भाव में कभी दी संकेत कैलन मर्यादा पुरुषोत्तम राम रोवत हुवन कहत कहवन अरे हृदय हस्तियों का विकल हो रहा था हृदय हस्तियों का हृदय हस्तियों का विकल हो रहा था हृदय हस्तियों का विकल हो रहा था तो हृदय हस्तियों का अरे विकल हो रहा था विकल हो रहा था ठीक है अरे चराचर हाँ हाँ चराचर जमी और गगन रो रहा रो रहा था चराचर जमी गगन रो रहा था ए भैया प्रभु राम के इशारे पे पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी ले आवा बदल चल दे हलन लेकिन उनको आने में लेट हो रहा है रात के 12 बज चुके हैं हनुमान को कौनो अता पता ना बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम भैया लक्ष्मण के लेके गोदी में रोवत हुवन यहाँ प्रमाण के रूप में एक लाइन चौपाई से कवि जी संकेत कैलन कहत कहवन बतावल गई कि उहां राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी राम सिया राम सिया बाबा बहुत अच्छे सरोज बहुत अच्छे लगत बा भैया लक्ष्मण से अब साथ छूट जाई पूरी बानरी सेना रो रही है तब तक भयल का यहाँ टेरी के भाव में कवि जी लिखलन कि रामा दल में कुछ आशा छा गई रामा दल में कुछ आशा हो रामा दल में कुछ आशा छा गई
तब पहुँचे रामदूत ले रजनी रही उतार। बहुत अच्छे। तब तक भइल का वही बीच में पवन पुत्र हनुमान पहाड़वे ले ले उतर गइलन। आ जब पहाड़वे ले ले उतरलन तो पूरी बानरी सेना के चेहरा पे खुशी का लहर दौड़ गई। सारा लोग खुश हवन, लेकिन ओमे एक आदमी ना खुश सके, सुषेण वैद्य ना ही खुश हवन। सुषेण वैद्य मन में सोच रहे कि मैंने तो कूटनीति किया कि चिकित्सक होने के नाते मैं लक्ष्मण का इलाज भी कर दूंगा और इसको जिंदा भी नहीं करूंगा, लेकिन हमारा सारा निशाना फेल कर दिए ये बजरंग बली। कूटनीत सोचत मन कलन के है प्रभु, संजीवनी बूटी तो आ गई, लेकिन ए दवैया के बनावे खातिर एगो चीज का जरूरत बा। प्रभु राम से कहलन का कि बोला वैद गुणवान छीर चाही भगवान, काम है बड़ा महान ये दवाई के लिए, जल्दी की जय उपाय छोटे भाई के लिए। एक यस्तन ही सोहाए जिया देखी के मोहा, जल्द की जय उपाय छोटे भाई के लिए। पता भी सर बताए बजरंग बली धाए, राजभवन को सिधाए सेवकाई के लिए। गए मंदोदर के पास महारानी थी उदास, समाचार कहे खास चतुराई के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हैप्पी मूड रहो, हंसते रहो। ध्यान देंगे सुषेण वैद्य बताना ने प्रभु ये दवाइया के बनावे खाती दूध का जरूरत बा। वो सब दूध ना चाहिए जौन मेहरारू एक स्तन का होई वही का दूध चाहिए। आज जब इतना बतिया प्रभु राम सुलन कपारे हाथ धे लेलन, कलन बड़ा मुश्किल से हनुमान जैसा रहल की संजीवनी बूटी आ गई। अब एक स्तन मेहरारू को दूध मांगत हुन, विभीषण बताते हैं कि प्रभु चिंता करने की कोई बात नहीं है, बगल में महारानी मंदोदरी है, वो एक स्तना मानी जाती है। एक और औरत है वो महारानी तारा, और महारानी मंदोदरी जब पैदा हुई तो उनका शरीर एक ही में सटा था, अलग किया गया तो यह दोनों औरत एक स्तना मानी गई। बताने के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर से हनुमान के इशारा कैलन कि दुश्मन के जियावे खाति को दूध ना दिहन, लेकिन जा प्रयास कैल। हनुमान जी लंका में पहुंच गैलन। आज हम लंका में गैलन तो देखत कावन कि महारानी मंदोदरी उदास बैठल है। हनुमान जी कहलन का कि काहे मनवा बयतना, काहे मनवा बयतना, हई उदास रानिया हो समो। चार ये गो कहतानी खास रानिया हो समा। बहुत अच्छे। कहलन का प्रातः परान तजी हैं लखन बाल करिया, लखन बाल करिया, भाग जाई है राम चंद्र छोड़ी के समरिया, भाग जाई है राम चंद्र छोड़ी के समरिया। तो पूरा होई है दसानन, तो पूरा होई है दसानन के आस रानिया होनन। कलन की है महारानी आपका चिंता कैले हो, तोहर बेटवा मेघनाथ लक्ष्मण के शक्ति बाहर मरले हो, आ सूर्य का पहली किरण लगी लक्ष्मण मर जाई हां, उजन भगवान आइल हमर राम का हाथ मन अपन आनर बानर लेके ओहि जैसे भाग जाई हन, फरार हो जाई हन। त इहे न चाहत हो कि तोरे पति महाराज रावण के जीत हो जा, एकदम जीत क्लियर हो। आ जब इतना बतिया महारानी मंदोदरी सुन ली बड़ी जोर डटली, खबरदार औकात पर हकर बात करो, एक सेवक होकर रानी को बताने आए हो। अरे मूर्ख कहीं का जो तुम आज हमें बता रहे हो, मैं उसको कुछ तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं बता रहा हूं। प्रमाण दहलिन का दहलिन की जाना था जीव चरा चर जा को प्रभु सब त्रिभुवन
प्रभु राम से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है, सीता को आदर के साथ पहुंचा दो, लेकिन हमारा बतिया के मनला ना। आ तू आ जाइला हो बतावे, हनुमान जी कलंत काहे उदास हो, महारानी मंदोदरी बताओ थी कि हम उदास ए लिए हैं, कौनो जवान बेटवा के मौत मतारी के सामना हो जा, तो माई के दिल पे का बीती वही बतिया के हम सोच के रोवत हैं। कहलन हनुमान एकर मतलब आपो नहीं चाहत हैं कि लक्ष्मण का मौत हो जा, आप चाहबू तो नहीं होई, अपन खाली दूधवा दे दा। सब प्रेम भेंट में महारानी मंदोदरी अपना दूध देहलिन, आ जब वो दूधवा के लेहलन लेके हनुमान जी जब अलन तो सुसेन वैद्य का हवा खराब हो गई कि अरे ये हम का देखत है, अब है ना आधा रात से कुछ ऊपर भी तला दूधो आ गए। बड़ा चिंता में पड़लन, मन में विचार कैलन कि हम प्रतिज्ञा कैले ले हैं कि लक्ष्मण के नाही जियाइब तो नाही जियाइब। कहलन आ प्रभु संजीवनी बूटी आ गए, दूध आ गए, ले दवाई के हम पीस के दूध में मेरा देहलिन, लेकिन हमें एक और काम हो। कौन काम हो मास्टर? यहाँ एक लाइन गीत मिलल बतौलन का, तब होई सफल दवाई राजा के गमछा में छनाई, तब होई सफल दवाई राजा के गमछा में छनाई, दे बदल लियाई ना। कहे राम हनुमान से भैयाई हो काम बनावा, महाराज रावण से जाके ई हो अर्ज सुनावा, चलले बजरंगी घबराई बैठा था बिरवा मुरझाई, चलले बजरंगी घबराई बैठा था बिरवा मुरझाई, ते बदल लियाई। भैया ए भैया, प्रभु के आदेश पाके हनुमान जी लंका में गइलन, आ जब लंका में गइलन तो देखलन का कि महाराज रावण सिंहासन पे कपारे हाथ धके बैठल हवन, हनुमान जी बानर के दांत बिछुए में कूद गइलन, आ कहलन का कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे आपका मुंह लटका के बैठल हवा, अब तो आपका जीत हो गल, अब कुछ ही देर में भोर होके वाला हो, आज सूर्य का पहली किरण जो लगी त्यों लक्ष्मण मर जाइन, ते आप ये न चाहत हो कि हमेशा खाती सीता हमार हो जा, तब आप सत जीत गईला। इतना खुश होके बतावत हूँ महाराज रामर सिंहासन से उठ के खड़ा हो गईलन, कलन खबरदार एक बानर के औकात कि है ब्राह्मण के शिक्षा दई, अरे दुष्ट कहीं का जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। महाराज रावण हनुमान से बतावत हूँ का बतौलन, कभी ध्यान को प्रमाण देहलन का देहलन, अरे खर दूषण मो सम बलवंता तीन कुमार बिनु भगवंता, बहुत अच्छे हुआ खर दूषण मारे गए, उसी समय हमें ज्ञात हो गया कि धरती पे रामा अवतार हो गया है, तो हमने तो ये जान बूझकर दुश्मनी का जाल बिछाया कि इसी बहाने मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे लंका में आएंगे, उनके हाथों मेरा मेरे खानदान का मेरे प्रजा का वध होगा, ताकि हमेशा हमेशा के लिए राक्षस प्रवृत्ति से हम लोग मुक्ति पा जाएंगे। अतुला हमके सिखावे बानर कहीं का, हनुमान जी कहलन जब सब बात आप जानत हैं तो काहे कपारे हाथ धैले हैं, महाराज रावण बतावत हूँ कि हम काहे उदासी मास्टर।
कहेला दसानन हानू मान जी से बतिया त जानेला बहादुर वीरता के पहिया बहुत अच्छे। अरे काले अगर हो जाई लखन के मऊतिया अब मेघना दसन में मचाई के तूफान। अरे गमछा हमार ले लीर बजरंगी अब केहू तारे लखन का बचाव जाके जा। अरे तीरथ बन के अले प्रभु हमारी नगरिया। अरे तीरथ बन के अले प्रभु हमारी नगरिया तो पूरा परिवार तारब सुना हनुमा पूरा परिवार तारब सुना हनुमा। महाराज रावण बतावत बन कि हम यही लिए उदास हैं कि हम सबका तो उद्धार हो जाई लेकिन हमारा बेटवा मेघनाथ के ये धरती पे कोई मारे वाला पैदा नहीं हो। अगर हमारे बेटवा के कोई मार सकेला तो लक्ष्मण मार सकेलन। अब देखत हैं भोर हो गई अब धीरे धीरे उजियार भी होत बा जब लक्ष्मण मर जाये तो हमार बेटवा मेघनाथ तो राक्षस प्रवृत्ति में ही रह जाइन। हनुमान जी कहलन तो बस बस आप चाहब तो लक्ष्मण नहीं मरियन अपन खाली गमछवा दे दब। आ गमछा लेके जब हनुमान जी सुसैन बैद के आगे गयलन उनके मुँह में के थूक झुराई गई कहलन कंवर रानी देखत है हम महाराज के डर के मारे लक्ष्मण के मारल चाहत हैं या वो जिंदा करे खाती दवाई भेजत हुवन। मन में विचार कैलन कलन प्रभु दवाई आ गई दूध में घोल दिहलिन गमछा में छाल दिहलिन रहल बात ये के पियावे के हो तो दूसर केहू पियाई तो दवाइया नहीं काम करी दवाइया वो पियाई जौन मेहरारू नाक कटी कान कटी होई उहे मेहरारू अपने हाथे से दवाई पी तो भैया लक्ष्मण जिंदा हुईहन। कपारे हाथ धैल कलन हनुमान जी से कि जैसे आप काम कैला जा सुपरखा के से भी निवेदन करिए हो सके हमर भाई जीत जा। गैलन हनुमान देखलन सुपरखा बेचारी पुक्का फार के रोवत हो हनुमान जी कहलन का मास्टर ये कहलन अरे तो कहे अरे तो कहे हनुमान काबर से ले असिया। अरे कहे हनुमान काबर से ले असिया ता जाला लक्ष्मण के परनवा मनावा खुशिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहलन अरे आप करवा तलु आप खुशी मनावा आप लक्ष्मण मरे वाला हमन सुपरखा डांट के बल्लस की खबरदार आ हनुमान ऐसी अशुभ बात दोबारा जुबान पे नहीं लाना। कलन का है बतावत हैं कि अगले जन्म में यह लक्ष्मण नाग के रूप में हमार पति रहलन। मैं यही सुपरखा अगले जन्म में नागन उनकी पत्नी थी। मुझसे कुछ गलती हो गई मेरे पति हमको जान से मारने की धमकी दी आज वो धमकिया के हम सुन ली तो पहले में हम फन पटक के मर गईलिन। हमार पति अलन प्रतिज्ञा धूरा हो गई यह जन्म में शेषा अवतार लक्ष्मण के रूप में मैं वही नागन सुपरखा के रूप में तो हमार पति हमार नाक कान काट लेलन तो कोनो दुख का बात ना बा। हम यही लिए रोवत हैं कि हमार पति लक्ष्मण ये जन्म में मरे मत। कहलन का कि बस अब तुहरी जरूरत पर जल्दी चला अली तो कैलिन का तैयार के सुपरखा पियावल दवाई राम राम कह के उठी गए। बंदर भालू सब बजावे खुशी के बांसिया ता जाला बहुत अच्छे। ता जाला लक्ष्मण के परनवा मनावा खुशिया। बिरहा के ही जानत भइल कहानी कंत भइल लास्ट लाइन में कहल गइल कि गुर बिहारी गुर गणेश गुर रामलाल वैरागी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि संतोष कवि अनुरागी तेरे मोरे राम कि रामा दल में कुछ ऐसा छा गई सरोज सदानंद बिरहा में पलटा पासा रामा दल में कुछ ऐसा छा गई। बहुत अच्छे सरोज जी वाह बहुत खूब रउआ तो भक्तिमय कर देली का मजा आई।
अरे सनी जोर से। बहुत अच्छा दोनों कलाकार गौलन, अब रवा सबके दरबार में अपना सरपंच महोदय के सामने प्रस्तुत कर जाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमने के दरबार में हाजिर बानी जा दोनों कलाकारन के साथ अपना सरपंच महोदय लोगों से राय जाने खातिर। सबसे पहले हम पूछल चाहता नहीं रानी जी बताई कलाकार कैसन गौलन कैसन लागल हुआ थे। भैया लाल जी इस दुनिया में जो रिश्ता है सबसे अनोखा रिश्ता भाई बहन का, इन्होंने इतनी अच्छे ढंग से अपने अंदाज में उस रिश्ते का वर्णन किया, तारीफ के लिए मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए एक ही शब्द कहूँगी फंटास्टिक। क्या बात, बहुत बहुत। और सरोज जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस एक चीज़ उनसे चाहती हूँ मैं, अगर वो देना चाहें तो, हम के को जादू की झप्पी चाहिए। बहुत अच्छा सरोज जी का जो उन्होंने जो गाया जो सुनाया हमें, बहुत अच्छा लगा। जो भक्त दो भाइयों का प्रेम और एक भक्त का प्रेम हनुमान जी और राम लक्ष्मण जी के बारे में, बहुत सुंदर सरोज जी, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। हीरा जी दोनों जने गाना बहुत अच्छा भैल और हम दोनों जने के आशीर्वाद देते। बालेश्वर काका ये दोनों प्राणी का गाना बहुत अच्छा लगा, इनके इनकी कीमत हम नहीं बता पाएंगे लगा पाएंगे, इन लोगों की कीमत लगाएगा महुआ चैनल। पिछला हफ्ता में आप लोग देख लें पप्पू लाल यादव जी और नीतू राज जी के, जनता के तरफ से पप्पू लाल जी के मिलल 48% वोट और नीतू राज जी के मिलल 52% वोट। तो दोनों कलाकार के आशीर्वाद मिलल हमारा सरपंच महोदय लोगन की ओर से, यही तरह रुआ सभे देखत रही आशीर्वाद देत रही। हमरा लगता प्रिया समय हो गेल बा आगे लिहल जाए, हमनी का विदा लेवे के समय हो गेल बा, तब तक रुआ सब चाय पकौड़ा खात रही। जय राम जी की, प्रणाम। अरे के हो जाई है सोनपुर के हो जाई है पटना, के हो जाई है सोनपुर के हो जाई है पटना, के हो जाई है ना ए हो के हो जाई है ना हाजीपुर का चहरिया, के हो जाई है ना हाजीपुर का चहरिया, के हो जाई है ना हाजीपुर का चहरिया, के हो जाई है ना।